ये एंट्रेंस गेट है चाथम मिल का, पूरा परिसर चाथम सॉ मिल फोर्ट ब्लेयर का। यहाँ पे ऑफिस व्हीकल खड़ी है लोडिंग अनलोडिंग के लिए। सराउंडिंग इस एरिया ऑफिसेज। अब हम मिल की तरफ चलते हैं आगे की तरफ। ये मिल का एरिया सी फ्रंट से टच करता हुआ फिर रिजर्वेशन के द्वारा मोटे स्टॉ और पेड़ वगैरह की कटिंग को लाया जाता है और यहाँ से स्टोर होकर के फिर मिल में लेके आया जाता है इनको। ये देखिए इनका स्टोर रूम कैसे स्टोर किया हुआ है बाकी तनों को। ये देखिए मशीनरीज बनी है अंग्रेजों के ज़माने की जिसके द्वारा कितनी आसानी से मोटे तने को बड़े बड़े पेड़ की टहनियों को आसानी से लेके आया जाता है। और ये प्लेटफॉर्म्स बने हैं जिसमें सिंपल मशीनरीज मैकेनिज्म यूज करके इन तनों को बिल्कुल ही सही तरीके से मिल के अंदर लाया जाता है। कहा जाता है ये एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट सॉ मिल है। देखिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं किस तरीके से तने को लेके आया जा रहा है। देखा प्लेटफॉर्म आपके सामने दिख रहा है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिससे तनों को मूव किया जाता है। तना वो होता है जो पेड़ के छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है कटिंग किया जाता है, उनको तना बोलते हैं। देखिए मशीनरी बनी हुई है हाइड्रोलिक टाइप में, अभी ये बंद पड़ी है मशीन लेकिन दूसरी मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। कहा जाता है कि उस ज़माने में भी बहुत अच्छी तकनीक का यूज़ करते थे अंग्रेज। ये देखिए मशीन उसी समय की है जो आज भी पूरी तरीके से काम कर रही है। देखिए दोस्तों मशीनिंग के द्वारा कैसे चिराई की जा रही है मोटे मोटे पेड़ के तनों को। यह सिस्टम इलेक्ट्रिक से भी चलता है। यहाँ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिनको बहुत ही आसानी से फ्लाइट किया जाता है और एक जगह पे यूजफुल मटेरियल को एक जगह स्टोर करते हैं। स्टोर रूम की तरह है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाता है, बाकी फालतू को दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसका विजिट कंप्लीट हो गया, हम आपको लेके चलते हैं कॉकपिट की तरह। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की तरफ से बम गिराए गए थे। देखिए यहाँ पे गड्ढा बन गया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।